सरफेस एनर्जी को समझने के लिए पहले एक पॉइंट को समझते हैं। जितने भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं वो दो किस्म से समझाए जाते हैं, एक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और एक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। इवन हमने जब फिजिक्स स्टार्ट भी की थी तो पहले कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स फिर कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी। वर्क पहले हमने फोर्स सीखा फिर वर्क पर एनर्जी में हमने एनर्जी को सीखा। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक? उसी तरीके से हमने फिर स्प्रिंग सीखा, स्प्रिंग की फोर्स सीखी, स्प्रिंग की एनर्जी। हमने ग्रेविटेशन किया, ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशन फोर्स सीखा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सीखी। तब कोई भी चीज़ करोगे आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करोगे प्लस टू में जाके, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स मैग्नेटिक एनर्जी। बिल्कुल वैसे ही सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है कि सरफेस टेंशन को मैंने डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, अब मैं सरफेस टेंशन को डिफाइन करूंगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट है किसका? सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी का मतलब है क्या? देखो, फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड पोजेसेस मिनिमम एरिया ड्यू टू सरफेस टेंशन, हमें मालूम है। सिंपल है कि जो टॉप की सरफेस है उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एरिया को मिनिमम करने की कोशिश करते हैं और करते भी हैं। अब आपने एक एक्सपेरिमेंट जब देखा कि ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है कि मॉलिक्यूल्स जो टॉप के मॉलिक्यूल्स हैं उनको एयर खींच नहीं पाती और पानी के मॉलिक्यूल नीचे खींच लेते हैं, राइट? तो कोई भी लिक्विड की सरफेस की टेंडेंसी क्या है? एरिया को क्या करना? मिनिमाइज करना। अब पोटेंशियल एनर्जी स्टोर कब होती है? जब मैं अगेंस्ट नेचर काम करता हूँ, जैसे स्प्रिंग चाहता है मैं ना खींचूं और मैं खींचता हूँ तो उसमें एनर्जी स्टोर होती है। पत्थर चाहता है मैं ग्राउंड पे रहूँ, मैं उसको उठाता हूँ, अगेंस्ट ग्रेविटी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। सिमिलरली मॉलिक्यूल चाहते हैं कि मैं नीचे जाऊँ क्योंकि एयर नहीं खींच पाती, कि मैं एरिया को कॉन्ट्रैक्ट करूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा? एरिया को बढ़ा देता हूँ। अब सरफेस टेंशन क्या चाह रही है? कि मॉलिक्यूल्स पास आए। मैं क्या कर रहा हूँ? एक्सटर्नल फोर्स लगा के उनको मैं दूर कर रहा हूँ। मॉलिक्यूल एक दूसरे को खींच रहे हैं तो मैं उनके अगेंस्ट काम कर रहा हूँ और वर्क डन कर रहा हूँ ताकि मॉलिक्यूल पास ना आए, दूर चले जाएं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन, अगेंस्ट नेचर काम कर रहा हूँ मैं, तो मैं टेम्पररी तो मैं उनको बाहर कर देता हूँ या दूर दूर कर देता हूँ, लेकिन वो चाहते तो यही है ना कि मॉलिक्यूल पास आ जाएं। तो मैंने टेम्पररी उनको दूर कर दिया, जैसे मैंने छोड़ी अपनी फोर्स वो वापस वहीं पर आ गए और कॉन्ट्रैक्ट कर गए। इसका मतलब कि जब तक मैंने उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगा के रखी हुई है तब तक मुझे वर्क डन करना पड़ेगा और वो वर्क डन स्टोर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सरफेस एनर्जी। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट आएगा जैसे हम नॉर्मली हर उसमें चैप्टर में करते हैं। तो यही कह रहा है कि एरिया कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं मॉलिक्यूल्स टू इंक्रीज सरफेस एरिया। मॉलिक्यूल तो सरफेस एरिया को डिक्रीज करते हैं, पर मैं क्या कह रहा हूं? टू इंक्रीज दिस सरफेस एरिया मॉलिक्यूल्स has to be brought from interior to the surface, क्योंकि सरफेस से मॉलिक्यूल कहाँ चले जाते हैं? नीचे, और एरिया को कम करते हैं, और मैं क्या चाहता हूँ? कि उनको उठा के वापस मैं ऊपर ले आऊँ। ऊपर लाने में मुझे क्या करना पड़ेगा? अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस वर्क इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस। तो जब तक मैंने पकड़ के रखा हुआ है उन्हें तब तक मैं वर्क डन कर रहा हूं और वो स्टोर हो जाएगा मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस हैव एक्स्ट्रा एनर्जी कंपेयर टू द मॉलिक्यूल इन द इंटीरियर। अब शुरू मैंने क्या समझाया था कि टॉप के मॉलिक्यूल नीचे गिर जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, अपनी एनर्जी को मिनिमम कर लेते हैं, पर अब मैंने जबरदस्ती उनको ऊपर उठा दिया। ऊपर उठाने का मतलब उनकी एनर्जी को फिर बढ़ा दिया। अब टॉप के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू अंदर के मॉलिक्यूल। वो क्यों? क्योंकि मैंने एक्सटर्नल अमाउंट ऑफ वर्क डन किया। क्लियर है यहां तक? और वो स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ सरफेस एनर्जी। तो एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल ऑफ सरफेस फिल्म, तो जो मैंने मॉलिक्यूल को ऊपर लेके आया वर्क डन करके, तो मॉलिक्यूल के पास एक्स्ट्रा एनर्जी है एज कंपेयर टू नीचे के मॉलिक्यूल्स। तो फिल्म ऑफ यूनिट एरिया कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन द इंटीरियर इज कॉल्ड सरफेस एनर्जी। तो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी उनके पास पड़ी हुई है, और वो क्यों हुई एक्स्ट्रा एनर्जी? क्योंकि मैंने अमाउंट ऑफ क्या किया? वर्क डन। वो स्टोर हो जाएगा उन मॉलिक्यूल्स में इन द फॉर्म ऑफ सरफेस
एनर्जी। अब इसको, ये तो थ्योरेटिकल है, अब इसको ना एक्सपेरिमेंट से मैथमेटिकल स्टडी करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है क्या। थ्योरेटिकल समझ में आ गया कि रूल क्या है, तो अगेंस्ट नेचर ही काम करना है। मॉलिक्यूल चाहते हैं मैं नीचे चला जाऊं, क्योंकि मॉलिक्यूल पानी के पानी को खींच लेंगे, और मैं चाहता हूं कि वो ऊपर आ जाए, ऊपर आने में उनकी एनर्जी बढ़ जाती है और वही उसकी सरफेस एनर्जी है। पहला कॉन्सेप्ट है। अब इसको एक्सपेरिमेंट से समझते हैं, एक्सपेरिमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने क्या किया, एक फ्रेम लिया, ये एक फ्रेम है जो मूवेबल नहीं है, फिक्स है। एक एक स्लाइडर लिया, ए भी स्लाइडर है जो स्लाइड हो सकता है इसके ऊपर, और फ्रिक्शनलेस है ये रेल्स, तो ये घिसट सकता है आराम से। मैंने इसको डुबो दिया फिल्म, एक सोप के अंदर, सोप की फिल्म आ गई, जैसे वो बच्चे खेलते में बताया ना, सोप की फिल्म ले आए, ये पिंक कलर की सोप की फिल्म, बहुत पतली है, बहुत पतली है, कभी भी टूट भी सकती है, पर हम तोड़ने नहीं देंगे, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, तो हम तो इसको स्टडी करेंगे ही, तो ये टूटेगी नहीं। अब होगा क्या, थोड़ी देर में आप इसको जैसे ही ऐसे करेंगे, दिस स्लाइडर इज फ्री टू मूव, तो थोड़ी देर में ये स्लाइडर पहले यहां पे था, थोड़ी देर में ये स्लाइडर अंदर खिसकता हुआ अंदर जाता जाएगा। क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया क्या करेगी ये फिल्म, मिनिमम। कैसे करेगी, ये तीन साइड्स तो हिल नहीं सकती, ये तो हिलेगी नहीं, कौन हिलेगा, ये हिलेगा, तो ये एरिया क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सरफेस एरिया मिनिमम होगा, तो ये वाली रॉड अंदर आनी स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ठीक है, अब और ध्यान से देखना इस एक्सपेरिमेंट को, जितना लग रहा है उतना जो है देखना और डीप है। कैसे, सोप की फिल्म बहुत पतली है, बहुत ही पतली है, पर अगर आप उसको माइक्रोस्कोप से देखें, उसमें लाखों मॉलिक्यूल दिखेंगे आपको, लाखों मॉलिक्यूल होंगे पानी के या सोप के। अब इमेजिन करो कि सोप की फिल्म कैसी है, सोप की फिल्म मेरे हाथ की तरह है, ये मैं बाहर निकाल रहा हूं, ठीक है, यहां सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं सोप की फिल्म के, सोप के मॉलिक्यूल्स हैं, और यहां एयर है, और इसके अंदर लाखों मॉलिक्यूल्स हैं सोप के अंदर, अगर फिल्म में जाओगे लाखों मॉलिक्यूल दिखेंगे, और फिर पीछे की सरफेस आएगी इसका बैक साइड, वहां भी सोप के मॉलिक्यूल्स हैं और फिर एयर है, एयर सोप के मॉलिक्यूल्स, लाखों मॉलिक्यूल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, फिर एयर। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली सरफेस ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्योंकि एयर तो नहीं खींच पाएगी, सोप के मॉलिक्यूल, सोप के मॉलिक्यूल को खींचेंगे तो ये सरफेस एरिया को कम करेगी, राइट, और पीछे वाली सरफेस भी एरिया को कम करेगी, दोनों करेंगी, ये भी करेगी, ये भी करेगी, इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। क्यों? ये बीच में लाखों मॉलिक्यूल हैं जो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबके ऊपर नेट फोर्स जीरो है। इमेजिन करो ये क्लास है, ये मान लो पहले सोप के मॉलिक्यूल्स हैं जो पीछे की साइड के हैं, और वो आखिरी वाले हैं जो उस साइड के हैं, बीच में जो स्टूडेंट बैठे हैं वो सोप के मॉलिक्यूल, सराउंडेड बाय सोप के मॉलिक्यूल है, तो उनको तो सरफेस टेंशन अफेक्ट करेगी नहीं, वो तो रेस्ट पे रहे, तो यहाँ पे एयर है, आप सोप के मॉलिक्यूल्स हो, आप कॉन्ट्रैक्ट हो गए, आप थोड़ा पास पास आओगे, ऐसे वो भी पास पास आएंगे, तो इनका पास आना, कॉन्ट्रैक्ट होना, और उनका कॉन्ट्रैक्ट होने में कोई आपस में लेना देना नहीं है, यहां अलग सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी लग रही है और वहां पर अलग लग रही है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो इस फिल्म को अगर बाहर निकालते हैं तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी यहां भी लग रही है और बैक साइड पे भी लग रही है, और दोनों अलग अलग लग रही है। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो फ्री सरफेस किसे बोलते हैं? लिक्विड की सरफेस जब एयर के कॉन्टैक्ट में, उसको बोलते हैं फ्री सरफेस है। तो एक फ्री सरफेस तो ये हो गई, और एक फ्री सरफेस पीछे, तो इस एक्सपेरिमेंट में कितनी फ्री सरफेसेस हैं? दो, एक और दो, तो एक फ्री सरफेस पे एक सरफेस टेंशन लगती है, तो दूसरी फ्री सरफेस पे भी एक और सरफेस टेंशन, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टीज यहां पर दो लग रही है इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो कि ये सोप की फिल्म ने तो इसको अंदर ले जाना है, और कितनी फोर्स से अंदर लेके जाना है? जो सरफेस टेंशन होती है सिग्मा, सिग्मा वो क्या होती है? फोर्स, और मान लो ये लेंथ है एल, फोर्स अपॉन लेंथ, तो फोर्स क्या होगा? सिग्मा इंटू, तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स कहां लगेगी? इनवर्ड लगेगी। कितनी लगेगी? सिग्मा इनटू एल। कोई डाउट इसमें? क्लियर है। अब ये फोर्स इधर भी लग रही है और ये फोर्स पीछे भी लग रही है, क्योंकि आगे और पीछे के मॉलिक्यूल आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, तो जो रूल यहां लग रहा है वही रूल पीछे भी लग रहा है, तो टोटल फोर्स कितनी लग रही है? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? ट्वाइस से। ठीक हो गया यहां तक? अब आपने क्या किया, आप ये चाहते हो कि यार ये अंदर ना जाए, क्योंकि अंदर जाना तो नेचुरल प्रोसेस है। आपने क्या किया, आपने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई राइट की तरफ,
आपने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई राइट की तरफ, ताकि ये एरिया कॉन्ट्रैक्ट ना हो, ये एरिया क्या हो जाए, बड़ा हो जाए, राइट। तो ये एरिया छोटा ना हो, ये एरिया बड़ा हो जाए। अब देखो ना, आप क्या कर रहे हो, आपको एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो क्या करने के लिए वर्क डन करना पड़ा है, इसका एरिया बढ़ाने के लिए। एरिया कितना बड़ा, अगर ये एक्स है, ये एल है, तो एरिया कितना बड़ा, एल इंटू एक्स आगे और एल इंटू एक्स पीछे, डबल डबल, ठीक है यहां तक। अब यहां से देखते हैं, तो डेफिनेशन सुनो, मैथमेटिकल डेफिनेशन सरफेस एनर्जी की। सरफेस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपने कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया, क्या करने, क्या किया आपने, इन इंक्रीजिंग दी सरफेस एरिया, क्योंकि डिक्रीज तो अपने आप ही हो रहा था, और आपने एक्सटर्नल क्या किया, वर्क डन, ताकि सरफेस एरिया क्या हो जाए, इंक्रीज। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली वर्क डन की वैल्यू कितनी है, फोर्स, ये फोर्स है डबल, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है आपने स्लाइडर की, कितनी की, एक्स, तो ये वर्क डन आ गया। और एरिया कितना इंक्रीज हुआ, आगे और पीछे, एल इंटू एक्स इंटू टू, तो ये आपका वर्क डन है, ये इंक्रीज इन एरिया है। जब आप कैंसिल करेंगे, और अच्छी बात यह है, आंसर फिर क्या आ गया, सिग्मा। तो सरफेस एनर्जी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी का न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगा, यूज कैसे करना है सिखाऊंगा अभी, रुको। तो ये किसके इक्वल आ गया, सिग्मा। तो सरफेस एनर्जी के कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, न्यूमेरिकली यूज करने के लिए ये फॉर्मूला बॉक्स में डाल लो, कि सरफेस एनर्जी इज अमाउंट ऑफ वर्क डन डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन सरफेस एरिया। मैं आपको लगा के दिखाता हूं कि ये लगाना कैसे है, फिर आपको समझ में आएगा कि इसकी एप्लीकेशन है कैसे और न्यूमेरिकली कैसे लगती है ये। क्लियर है, ठीक। देखो, हमने सरफेस टेंशन सिग्मा से रिप्रेजेंट किया, हमने सरफेस टेंशन को फोर्स की फॉर्म में डिस्कस किया। तो हमने आज क्या किया, सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स बाय लेंथ किया। इसको लगाना कैसे है, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, सिग्मा इज इक्वल टू आपने क्या किया, फोर्स बाय लेंथ, और फिर क्वेश्चन में लगाना कैसे है आने रहा। तो पहला क्वेश्चन, जब न्यूमेरिकल आएगा, पानी का सरफेस गिवन होगा, दे दिया, वो क्या कहेगा कि इस सरफेस के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर एक ना डिस्क पड़ी हुई है, डिस्क, और ये तैर नहीं रही, बस इसके ऊपर टिकी हुई है, मेम्ब्रेन के ऊपर। आपने देखा भी होगा, जब आप इसे उठाते हो ना, किसी मान लो चिपकी हुई है, मान लो पानी की सरफेस, कोई भी चीज तैर रही है, जोर लगता है एकदम, पानी फोर्स लगाते हैं इसको खींचने के लिए। तो एक फोर्स, अब एक तो पानी चिपका होता है, उसका वेट तो है ही है, नो डाउट, और एक फोर्स है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो आपको निकालनी है फोर्स, सरफेस टेंशन की फोर्स कितनी है इसमें। अब सरफेस टेंशन की फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, सिग्मा इंटू लेंथ। सिग्मा आपको लीकवर्ड का गिवन होगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं। लेंथ क्या लेनी है, अगर इसका रेडियस आर है, तो ध्यान से देखना, एक डिस्क के नीचे क्या है, लीकवर्ड, उसके ऊपर डिस्क है, इसमें सरफेस टेंशन नहीं होगी। सरफेस टेंशन के लिए क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल के ऊपर हवा चाहिए, तो एयर तो है नहीं, तो यहां पर सरफेस टेंशन नहीं होगी। कहां पर होगी, इसके सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस पे होगी बस, ठीक, क्योंकि एयर का कॉन्टेक्ट शुरू हो जाएगा वहां पर। तो लेंथ यहां पर क्या लेंगे, 2 पाई आर, क्योंकि लेंथ लेनी, एरिया थोड़ा लेना है वैसे भी, तो आपने सर्कमफ्रेंस ले लेना है जब कोई न्यूमेरिकल आएगा। तो आपने इसमें फोर्स क्या लेनी है, सिग्मा इनटू 2 पाई आर। अगर मैं सेम क्वेश्चन चेंज कर दूं, ये लिक्विड का सरफेस है,
और मैं क्या करूं इसमें एक एनुलर डिस्क ले लूं, एनुलर का मतलब होता है अंदर से कटी हुई, ये R1 है और ये R2, बीच में हॉलो है, खाली है, ठीक, और ये भरी हुई है, यहां पे भरी हुई है, तो एनुलर डिस्क है। अब फोर्स की वैल्यू क्या होगी, सिग्मा इंटू, अब लेंथ क्या लें, अब एनुलर डिस्क में क्या करना होगा, ये रही एनुलर डिस्क, ये रही ऐसे, तो इसके अंदर क्या होगा, जब आप ये तैर रही होगी तो एक ये लेंथ लेंगे और एक ये लेंथ लेंगे, क्योंकि सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी यहां भी लगेगी इन मॉलिक्यूल्स एयर के कांटेक्ट में, तो ये लेंथ लेंगे और ये भी लेंगे, तो टोटल लेंथ क्या लेंगे, 2 पाए R1 प्लस 2 पाए R2, ठीक है यहां तक। सरफेस टेंशन के फॉर्मूले में एरिया आता का है, एरिया लेते ही ना, लेंथ लेते हैं, लेंथ कैसे है, ये जो नीचे है पानी के कांटेक्ट में है, तो सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी कहां कह रही है कि मेटल की सरफेस ने पानी को खींच लिया, वो तो एयर के साथ मुकाबला हो रहा है ना यार, तो एयर तो यहीं से स्टार्ट होगी कॉर्नर से। हाँ तो ये वाला नहीं, हमने निकालना है जब हम इसे खींच रहे हैं ना, तो मेटल की सरफेस जो डिस्क है उसका अफेक्ट सरफेस टेंशन का कितना है, बस ऐसे तो और भी पानी होगा वो नहीं ले रहे, बस डिस्क डिस्क का पोर्शन लेना है। देखो जैसे क्वेश्चन है कि सपोज ये स्लाइडर है, इसकी लेंथ एल है, तो क्वेश्चन है कि सरफेस टेंशन की फोर्स बताओ इसमें क्या होगी, तो सिग्मा इंटू एल ना, जिस पे पूछी जा रही है वो निकाल लो, तो कह रहे डिस्क के आसपास क्या होगी, बस वो पूछेगा क्वेश्चन ऐसा कि डिस्क के आसपास ही पूछेगा, तो वही लेंथ लेनी है। अब जैसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि मान लो एक रेक्टेंगल है, ये सॉरी क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड है, इसको पानी में डाल दिया, तैर रहा है ये, तैर भी कह रहा है बस ये बस पानी के अंदर रेस्ट पे है और पानी भी हिल नहीं रहा, ठीक है, और इतना इतना लेवल पानी का इसमें, ये पानी के अंदर है, तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन क्या होगी, अब क्या लें, ये लेंथ सिग्मा इंटू ये लेंथ, लिक्विड यहां पर दिखेगा, ये लेंथ और ये लेंथ, तो इसका जो ये लेंथ बनेगी न्यूमेरिकल में वो ले लेनी है, तो जितना जितना पोर्शन सर्कमफ्रेंस का इसका पानी के कांटेक्ट में आता जाएगा बस वो ले लेना, बात खत्म इसमें, ठीक है। तो इस टाइप से आप फोर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे, तो ऐसी प्रॉब्लम हम करेंगे नेक्स्ट टाइम, पर कॉन्सेप्ट ये यूज करेंगे, पहला स्टेप है। दूसरा और लास्ट, एनर्जी, यानी कि सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैसे यूज करना है। देखो सरफेस एनर्जी का कॉन्सेप्ट अगर आपको यूज करना है ना, तो मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैक्सिमम टाइप ऐसे ही बनेंगे न्यूमेरिकल्स के। क्वेश्चन आएगा कि सपोज करो, क्वेश्चन आएगा कि सपोज आपके पास कुछ मरकरी के ड्रॉप्स हैं, मान लो 27 ड्रॉप्स हैं और कंबाइन होके एक बड़ा ड्रॉप बन गया, ठीक, या उल्टा भी आ सकता है, एक मरकरी का बड़ा ड्रॉप है और इसको तोड़ के छोटे छोटे 27 ड्रॉप्स हमने बना दिए, ठीक है। रूल नंबर वन, जब मरकरी के ड्रॉप्स पास आएंगे तो मेरे को बस पास ही लाना है, अपने आप इकट्ठे हो जाएंगे और बड़ा ड्रॉप बन जाएगा, लेकिन जब मरकरी का बड़ा ड्रॉप मेरे पास होगा तो छोटे ड्रॉप अपने आप जादू से नहीं बनेंगे, आपको इस पे वर्क डन करना पड़ेगा, या तो तोड़ना पड़ेगा या इसको हिट करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा तभी ये टुकड़ों में डिवाइड होंगे। तो पहले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा, तो बड़े ड्रॉप को छोटे ड्रॉप से बनाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन पहले वाले केस में ड्रॉप्स को मिलाने का वर्क डन नहीं करना पड़ता, वो अपने आप मिल जाते हैं और अपने आप मिलके बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो ऐसे केस में जो एनर्जी है, क्वेश्चन में कहेगा जो एनर्जी है वो क्या होती है, रिलीज होती है, एक में वर्क डन करना पड़ता है और एक में एनर्जी रिलीज होती है। तो न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट आएगी फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, आपको एनर्जी रिलीज कहां से आ गई, क्योंकि जब ड्रॉप्स मिलेंगे हमें काम नहीं करना पड़ता, उसमें एनर्जी अपने आप रिलीज होती है, लेकिन जब ड्रॉप को तोड़ना पड़ता है तो हमें क्या करना पड़ता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ता है। डिफरेंस समझ में आ रहा है पहला, ठीक। सेकंड रूल, इसका रेडियस अगर आर है और इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है, इन सबका कंबाइंड एरिया क्या होगा, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और इसका एरिया क्या होगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर,
तो मैथ्स के अकॉर्डिंगली बताओ कौन सा एरिया बड़ा होगा, ये वाला कि ये वाला, छोटे वाला? ये कंबाइंड एरिया बड़ा होगा मैथ्स के अकॉर्डिंगली, ये एरिया बड़ा होगा उस सिंगल एरिया से। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, अब करके देख लेना मैथमेटिकली ऐसे ही आएगा, सेम नहीं होता, वॉल्यूम सेम होता है, पानी का मरकरी का वॉल्यूम सेम होता है जब ड्रॉप्स कंबाइन होते हैं, एरिया सेम नहीं होता। तो ये एरिया बड़ा ये एरिया छोटा, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इस एग्जाम्पल में एरिया क्या हो रहा है, डिक्रीज, लेकिन इसके अंदर एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो स्टेटमेंट न्यूमेरिकल में लिखा होगा एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया डिक्रीज हो गया। अगर ये चीजें नहीं पता होंगी आपको पता ही लगेगा, वो कभी एरिया इंक्रीज बोलेगा कभी डिक्रीज बोलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैसे चल रहा है इसमें, ठीक है यहां तक? तो ज्यादातर जो न्यूमेरिकल है वो इस पे आता है, वो इस पे आता है कि आपको 27 ड्रॉप्स देगा और आपको कहेगा कि 27 ड्रॉप्स मिलके एक बड़ा मरकरी का ड्रॉप बन गया, ठीक। फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, ये क्वेश्चन आएगा। तो आपने लगाना है सरफेस टेंशन सिग्मा इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ, ऊपर क्या होता था, वर्क डन, पर यहां वर्क डन नहीं है, वर्क डन जूल में होता है, इसकी जगह यहां पर क्या आएगा, एनर्जी रिलीज्ड। समझ में आ रहा है यहां तक? ये एनर्जी रिलीज में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया में क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन एरिया। समझ में आ रहा है? और अगर यहां पर एनर्जी रिलीज की जगह वर्क डन होता तो यहां एरिया डिक्रीज ना होता, एरिया इंक्रीज होता, बट डेफिनेशन विल रिमेन सेम, सिग्मा आएगा आंसर। क्या ये स्टेप क्लियर है यहां तक? ठीक। तो यहां से ये बताओ कि जो एनर्जी रिलीज आएगी, एनर्जी रिलीज आएगी वो क्या आएगी, सिग्मा इंटू डिक्रीज इन एरिया। बोलो डिक्रीज इन एरिया कितना है, 27 इंटू 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो न्यूमेरिकल में जब एनर्जी रिलीज आएगी तो कैसे निकालनी है, समझ में आ रहा है? फोर्स देखो, फोर्स के न्यूमेरिकल कैसे थे, डेफिनेशन सिग्मा की थी, और एनर्जी के न्यूमेरिकल कैसे हैं, डेफिनेशन सिग्मा की है। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, फाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्या स्टेप क्लियर है, ठीक है यहां तक? दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल आएगा, पहला सेम क्वेश्चन है, वो एनर्जी रिलीज की जगह पता है क्या कहेगा, वो कहेगा जैसे ये ड्रॉप मिले और बड़ा ड्रॉप बना, पता नहीं क्या हुआ, भागना शुरू कर दिया उसने, इट एक्वायर्ड अ वेलोसिटी ऑफ वी, फाइंड वी। कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, एनर्जी रिलीज को रिप्लेस कर देंगे हाफ एम वी स्क्वायर, बाकी एवरीथिंग इज सेम। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक? तो अगर आपको वेलोसिटी निकालने को आ जाए बड़ी ड्रॉप के लिए, तो ये एनर्जी रिलीज किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वहां से वी निकाल लेंगे, इसके लिए मेडिकल करेंगे हम, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं अभी सिर्फ, राइट। और लास्ट तीसरे टाइप का न्यूमेरिकल और लास्ट न्यूमेरिकल आएगा, वो कहेगा ड्रॉप कंबाइन हो गए, बड़ा ड्रॉप बन गया, भागा नहीं, गर्म हो गया, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कोई बात नहीं, तो एनर्जी रिलीज हीट में कन्वर्ट हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी, सी फॉर स्पेसिफिक हीट। तो आंसर बाकी राइट हैंड साइड विल रिमेन सेम। क्या ये तीनों स्टेप समझ में आ रहे हैं? जब न्यूमेरिकल करेंगे समझाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स पे है, नहीं टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, इतना गर्म नहीं होगा कि वो एरिया में चेंज करा देगा, फिर बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। तो जैसे मिला टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, तो डेल्टा टी निकालना है, तो एनर्जी रिलीज किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में कन्वर्ट हो गया, और हीट क्या होता है, एम सी डेल्टा टी।